हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले इंटर क्लास एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो देखिए, इसका मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन होने वाला जो हर साल के साल आता है 5 नंबर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के मालूम करता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L बराबर μ0/2πI1I2/R न्यूटन बटा मीटर के सूत्र का निगमन कीजिए। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सिद्ध करवाता है या फिर इस टाइप से मालूम करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए, दो समांतर धारावाही हैं, क्या हैं, चालक तार हैं। तो पी क्यू और आर एस दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जिसमें I1 व I2 धारा बह रही है, जिनके बीच में बल F कार्य कर रहा है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, R है। बस यही थ्योरी आपको यहाँ पे फिट कर देनी है, लिख देनी है। तो देखिए, माना दो लंबे, तो दो लंबे समांतर मतलब समान बराबर हैं, वह सीधे क्या हैं, सीधे तार हैं। कौन है, पी क्यू और आर एस। कहाँ रखें, ये निर्वात में रखें, निर्वात मतलब जहाँ पे वायु ना हो, या फिर वायु में रखे हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, पास पास रखे हैं। ओके, इनमें क्रमशः I1 और I2 दो धारा बह रही हैं जो समान दिशा में बह रही हैं। इनके बीच क्या है, एफ बल कार्य कर रहा है और बीच की दूरी क्या है, आर है। और यही थ्योरी आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन काफ़ी आसान है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू तार के कारण, इस पी क्यू तार के कारण आर एस के किसी बिंदु पर, मान लो वो बिंदु ये है, आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी। तो इस बिंदु पर हम निकाले चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको कह रहे हैं B1। तो देखिए, B1 बराबर एक फॉर्मूला हमने सिद्ध कर चुके हैं पहले वाले डेरिवेशन में, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, B1 बराबर क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला सिद्ध होकर आया था, B1 बराबर μ0/2π, क्या आया था, 2π I1। देखिए, B1 लिया तो यहाँ पर I1 रख रहे हैं, तो I1/R, और इसका मात्रक क्या था, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। ओके, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर इसका मात्रक था। चलिए आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आगे, देखिए फ्रेंड्स कि तार आर एस की लंबाई एल पर, तार आर एस की लंबाई एल पर, तो इसकी हमने लंबाई मान ली है एल पर, बी वन जो हमने निकाला था अभी, B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, इसके द्वारा इस तार आर एस की लंबाई एल पर कितना बल लगेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो बल क्या होगा यहाँ पे, बल क्या होता है, एफ क्या होता है, फोर्स बल। और एफ बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा V1 I2 L sin थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसको सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, B1 का मान यहाँ पे फिट कर दें ये वाला, तो F बराबर आ जाएगा, देखिए B1 की वैल्यू फिट कर दें, क्या है, μ0/2π, क्या है, I1/R। ये B1 का वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बचा I2L। अब साइन थीटा, और ये क्या है, समांतर तार हैं, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगी, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एन से न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, आर एस तार के प्रति लंबाई पर, आर एस तार की प्रति तार आर एस की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या निकालेंगे, लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए एफ है, और ये गुणा में कौन है, एल। इस गुणा की संख्या बराबर में कहाँ आएगी, यहाँ पे बटे में, तो एल के बटे, एफ के बटे में कौन आ जाएगा, एल। यहाँ से जो बच रहा है उसको लिख लें, देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा आपका μ0/2π में कौन बचेगा, टू पाई। यहाँ से देखिए, I1 से I2 की गुणा करेंगे क्या आएगा, I1 I2, और बटे में कौन है, बटे में ये बचा R, ये बचा R। देखिए फ्रेंड्स, हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था कि F/L बराबर होता है μ0/2π I1 I2/R,
और यही हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। ओके, और काफ़ी आसान तरीके से आपको ये समझाया गया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इसका मात्रक लिख देते हैं, क्या होता है, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन बटा मीटर, एन से न्यूटन, एम से मीटर, तो न्यूटन बटा मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था फ्रेंड्स।